गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हैं हमारी BLI 227 की क्लास नंबर 14 में, जहां आज हम करेंगे कॉन्फ्रेंस वाले पोर्शन को, जिसके अंतर्गत आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, काउंसिल हो सकती है, साइम्पोजिया हो सकती है, साइम्पोसिज्म हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर दिया हुआ है तो उनके लिए सेम फॉर्मेट बनेगा और सेम ट्रीटमेंट होगा और एक ही तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, उसके बाद इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन वन है, प्रोसीडिंग ऑफ द 31st इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली फ्रॉम 28 to 31st दिसंबर 1992। यहाँ एक इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है स्टूडेंट, और वो कब हुई है? वो हुई है 28 से 31 अक्टूबर 1992 में। और ये कौन सी है? ये है 31st। और इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट क्या रहेगा? इंडियन साइंस कांग्रेस। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है, हमें ये ध्यान रखना है ये कौन से नंबर की है, किस टॉपिक पर है, कहाँ हुई है और कौन से ईयर में हुई है। नीचे से स्टूडेंट इस देखेंगे आप इसके अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेस, ये सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। अब क्या कहता है? पेपर प्रेजेंटेड एट द वर्कशॉप। अब यहाँ क्या है? वर्कशॉप, मैंने बताया था वर्कशॉप हो, कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, काउंसिल हो, साइम्पोजिया हो, साइम्पोसिज्म हो, कोई भी हो सकता है। तो क्या कहता है? पेपर प्रेजेंटेड एट द वर्कशॉप ऑन स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया हेल्ड एट जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ये कब हुई स्टूडेंट? 1988 में हुई और पब्लिश्ड जिवाजी यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, और ये प्लेस। तो ये कब हुई स्टूडेंट? देखिए इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है कौन से नंबर की है, तो आपका टाइटल ये रहेगा, सब टाइटल ये रहेगा। और ये वर्कशॉप का टॉपिक क्या रहेगा? वर्कशॉप ऑन स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री, ये सेम है स्टूडेंट टाइटल। कभी कभी हमें यहाँ से निकालना पड़ता है और कभी कभी हमें टाइटल से लेना पड़ता है। नीचे देखिए स्टूडेंट अदर इन्फॉर्मेशन में वही कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेस और साइज। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीडिंग ऑफ द 6th। अब देखिए यहाँ कौन सा नंबर है स्टूडेंट? 6th नंबर है, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या है? कॉन्फ्रेंस है, हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन 30th एंड 19th अक्टूबर 1962। ये 62 में हुई है। अब इसमें इसका टॉपिक क्या रहेगा? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये लिखा हो ना स्टूडेंट्स, स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, और ये न्यू दिल्ली में हुई है। और कब हुई है? 1962 में हुई है, और 6th इसका नंबर है। तो हमें जो है दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो नंबर और एक टॉपिक, एक वो कौन से ईयर में हुई है और कहाँ पर हुई है। या तो वो कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर हुई है, या सिर्फ प्लेस दिया हुआ होगा। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स नीचे दिया हुआ है इसके, यहाँ पब्लिश्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इनमें से किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ स्टूडेंट आएगा कॉल नंबर, कॉल नंबर आपको पता है स्टूडेंट पेंसिल से आता है, यहाँ रहेगा स्टूडेंट नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, या फिर काउंसिल हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, साइम्पोजिया हो सकता है, तो यहाँ हम उसका नाम लिखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस। अब स्टूडेंट यहां हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, यदि आपकी कॉन्फ्रेंस का नंबर दिया हुआ है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था 31st कॉन्फ्रेंस ऑन, तो यहां पर 31st लिखेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ होगा वो नंबर आएगा, तो यहां 31st लिखेंगे। चूंकि हम यहां बना रहे हैं फॉर्मेट, तो मैं यहां पर नंबर लिखूंगा, यहां आएगा नंबर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और फिर स्टूडेंट आएगा कोलन। ये ध्यान रखें स्टूडेंट, यहां पर नंबर हो सकता है फर्स्ट, हो सकती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो सकती है। यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे 31st कॉन्फ्रेंस ऑन, तो ही नंबर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा ईयर, कौन से ईयर में वो कॉन्फ्रेंस या वो साइम्पोजिया या फिर वो कांग्रेस हुई थी। फिर स्टूडेंट यहां कोलन लगाएंगे और यहां लिखेंगे प्लेस।
अब ये प्लेस कौन सा रहेगा स्टूडेंट, ये प्लेस रहेगा जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे दिया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर सिर्फ दिल्ली। यदि इंस्टीट्यूट के साथ दिया हुआ हो, जैसे दिया हुआ हो स्पेसिफिक 31st कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1992, तो 31st यहाँ आ जाएगा, ईयर यहाँ आ जाएगा, वो प्लेस यहाँ आ जाएगा। और यदि सिंपल प्लेस दिया हुआ है जैसे 31st कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली, तो यहाँ न्यू दिल्ली आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट में टाइटल, फॉर्मेट वही सिंपल बुक की तरह रहेगा, टाइटल सब टाइटल दिया हुआ है तो सब टाइटल स्लैश लगाएंगे, और यहाँ ऑथर को रिपीट करना चाहो तो ऑथर आ जाएगा। तो यहां मैं ऑथर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस बुक के लिए उत्तरदायी वो कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हो सकती है, तो वो यहां हमें रिपीट करना होगा। कोई इसका एडिटर दिया हुआ है तो सेमीकोलन लगाकर एडिटेड बाय, और स्टूडेंट यदि आप ऑथर को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये एडिटेड बाय स्लैश के बाद यहां आ जाएगा और ये ऑथर नहीं होगा। यदि आप ऑथर को रिपीट नहीं करते हैं तो एडिटर यहां आ जाएगा स्लैश के साथ ही। अब यदि और कोई दिया हुआ है एडिटर, ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर, रिवाइजर वगैरह, तो वो भी यहां सेमीकोलन लगाकर लिखेंगे, अदरवाइज डॉट और स्पेस कोई एडिशन है तो एडिशन देंगे। ये आप पहले ही जानते हैं कि जो चीज नहीं दी हुई है वो हटा देंगे और उससे पहले जो सिंबल है वो हटा देंगे। फिर डॉट और स्पेस के साथ यहां लिखेंगे प्लेस, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कहां पर ये पब्लिश हुई है, कोलन लगाकर स्टूडेंट आएगा पब्लिशर्स नेम, कॉमा ईयर, कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई है। उसके बाद स्टूडेंट यहां आएंगे पेजेस जैसे भी दिए हुए होंगे, और यहां साइज। अब स्टूडेंट आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है तो हम यहां लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट ये बन गया आपका फॉर्मेट फॉर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, जो कि हमारी कॉर्पोरेट बॉडी का थर्ड पार्ट है। यहां लिखेंगे स्टूडेंट एक्सेशन नंबर, ये आ जाएगा फॉर्मेट फॉर मेन एंट्री। चलिए अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट मैंने यहां आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है और यहां मैंने फॉर्मेट को रखा है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है टाइटल स्टडी एंड टीचिंग ऑफ द केमिस्ट्री, नेक्स्ट लिखा हुआ है पेपर प्रेजेंटेड एट सिक्स, स्टूडेंट क्या आ गया सिक्स वर्कशॉप ऑन, क्या है ये नेम ऑफ द वर्कशॉप निकालेंगे इसमें से, वर्कशॉप ऑन स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया हेल्ड एट जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर इन मार्च 1988। तो स्टूडेंट ये यहां पर वर्कशॉप हुई थी और इसके पब्लिशर है जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रेस ग्वालियर 1988। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में पहले क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, पहले दिया हुआ है स्टूडेंट कॉल नंबर, तो हम एज इट इज कॉल नंबर लिखेंगे, और कॉल नंबर आपका पेंसिल से आता है। तो कॉल नंबर क्या है 372.540N88। स्टूडेंट यहां क्या दिया हुआ है नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो हम नेम ऑफ द वर्कशॉप निकालेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वर्कशॉप दी हुई है। वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप ऑन स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, तो ये एज इट इज यहां लिखेंगे। चूंकि स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन में कंप्लीट नहीं आ पाया तो हम सेकंड इंडेंशन से दो स्पेस छोड़कर यहां लिखेंगे। अब स्टूडेंट ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में देखेंगे आपका कोई नंबर दिया हुआ है, यस वर्कशॉप का नंबर दिया हुआ है सिक्स, ये कौन सी वर्कशॉप है सिक्स वर्कशॉप। अगर ये नंबर नहीं दिया हुआ होता तो हम इसको छोड़ देते, फिर डायरेक्ट हम ईयर लिखते और प्लेस। तो अब इसका नंबर क्या है सिक्स है, तो एज इट इज लिखेंगे सिक्स, और फिर लिखेंगे हम ईयर, कौन से ईयर में ये हुई है, ये हुई है 1988 में। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे प्लेस, अब देखिए प्लेस दिया हुआ है हेल्ड एट जीवाजी यूनिवर्सिटी, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट ब्रैकेट बंद करेंगे और डॉट लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चल रहा हूं मैं स्टूडेंट, यहां देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहां टाइटल, अब स्टूडेंट आपका टाइटल है स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, तो हम एज इट इज लिखेंगे
स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। अब स्टूडेंट यहां कोलन लगाकर आप सबटाइटल लिखेंगे, क्योंकि ये सबटाइटल बनेगा अब आपका पेपर प्रेजेंटेड एट द सिक्स। और यदि आपका ये टाइटल यहां नहीं दिया हुआ होता तो हमें टाइटल इसमें से निकालना होता, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। तो उस केस में हम यहां से लेकर यहां तक आपका टाइटल बना सकते थे। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हम अगर ये टाइटल नहीं दिया हुआ होता तो फिर आपका यहां से यहां तक हम टाइटल बना सकते थे, क्योंकि इसमें नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप ईटीसी की भी इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं इसे सबटाइटल बनाऊंगा और मैं इसे पूरा नहीं लिखूंगा, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेड एट द सिक्स्थ वर्कशॉप ऑन स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया हेल्ड एट जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर इन 1988, ये पूरा लिख सकते हैं, बट मैं यहां सिर्फ लिखूंगा पेपर्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, कोई एडिटर ट्रांसलेटर दिया हुआ हो तो वो आ जाएगा, वो नहीं दिया हुआ है तो एडिशन आ जाएगा, एडिशन भी नहीं दिया हुआ है तो डॉट और स्पेस के साथ हम लिखेंगे अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो प्लेस क्या है इसका पब्लिकेशन का, ग्वालियर। अब कोलन लगाएंगे और यहां लिखेंगे पब्लिशर्स नेम, और ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है, जिवाजी यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो यहां जिवाजी यूनिवर्सिटी प्रेस, और ये कब पब्लिश हुई है, 1988 में, तो हम 1988 लिखेंगे। तो स्टूडेंट ईयर तक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लाइन में यहां लिखेंगे पेजेस जो कि दिए हुए हैं 315, यहां लिखेंगे साइज, साइज दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट यहां तक की इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। यहां फोर्थ लाइन में लिखेंगे हम एक्सेशन नंबर, पर लिखेंगे मेन एंट्री। तो स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट हो गई है मेन एंट्री। अब हम बनाएंगे एडिड एंट्री, देखते हैं इसमें कौन कौन सी एडिड एंट्री बनेगी। तो स्टूडेंट यहां आपकी दो एडिड एंट्री बनेगी, एक बनेगी एडिड एंट्री सब्जेक्ट के लिए, और स्टूडेंट यहां एडिटर ट्रांसलेटर कंपाइलर वो दिए नहीं हुए हैं, तो एक एडिड एंट्री यहां पर बनेगी आपकी अब टाइटल के लिए। तो आप लिखेंगे एडिड एंट्री टाइटल, तो वही एडिड एंट्री सब्जेक्ट बनाते हुए हम लिखेंगे मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, कॉल नंबर, हेडिंग और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब यहां आपका सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री डैश स्टडी एंड टीचिंग। तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार आपकी एडिड एंट्री सब्जेक्ट बनेगी, सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाते हुए सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे अब एडिड एंट्री सब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम एडिड एंट्री टाइटल, एडिड एंट्री टाइटल बनाते हुए वही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, यहां लिखेंगे टाइटल स्टडी एंड टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, यहां ऊपर लिखेंगे एडिड एंट्री टाइटल। अब स्टूडेंट इसकी करेंगे हम ट्रेसिंग, जैसा कि आपको पता है ट्रेसिंग मेन एंट्री में होती है, और अब हम चलते हैं मेन एंट्री में। तो स्टूडेंट्स यहां करेंगे हम ट्रेसिंग, ट्रेसिंग जैसे कि आपको पता है ट्रेसिंग इज टू ट्रेस ऑल द एडिड एंट्रीज इन टू द मेन एंट्री, और यहां हम लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट में जो आपने सब्जेक्ट बनाया था, जैसे हमारा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री डैश स्टडी एंड टीचिंग, वन पे लिखेंगे टाइटल क्योंकि हमारी टाइटल की एडिड एंट्री बनी थी, तो टाइटल के लिए तो हम टी आई टी एल ई ही लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आप मेन एंट्री और एडिड एंट्री बनाएंगे, कॉरपोरेट ऑथर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग काउंसिल कांग्रेस वर्कशॉप साइम्पोजिया के लिए। तो स्टूडेंट आज कॉरपोरेट बॉडी हमारा खत्म हो गया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, और यहाँ यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, सर हमें हमारे स्टडी सेंटर से सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपको सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।